स्टूडेंट्स आज हम स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 8 डेसिमल का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगले वाला क्वेश्चन में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, ओके, मिलीमीटर का। इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे डेसिमल का फ्रैक्शन। उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 0.6, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ 0.6। उसमें द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल प्लेसेस का नंबर कितना है, फर्स्ट वाला 1 वाला नंबर है उसके अंदर। सेकंड वाला मैंने लिखा है डेनोमिनेटर, यानी कि 10, इसका 10 का मैं 6 करूंगी, यानी कि आंसर आएगा 0.6, ऐसा आंसर आएगा मुझे, इसलिए मैंने लिखा है 10। एंड न्यूमरेटर यानी कि 0.6, इसका ये मैं 0.6 से उसका मैं पॉइंट हटा देती हूँ तो क्या बचेगा, 0.6 ऐसा बचेगा, इसलिए मैंने लिखा है 0.6, ओके। फ्रैक्शन यानी कि इन दोनों का मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। इन दोनों का फ्रैक्शन होगा 6, यानी कि ये 6 और ये 10, 6/10, उसका सेक्शन होगा 6/2, यानी कि 6/2, यानी कि 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 आया, 10/2, तो 5 × 2 = 10, यानी कि यहाँ पे 5 आया, ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हुआ। इन दोनों का फ्रैक्शन, इन दोनों के फ्रैक्शन में क्या आएगा, 10/5 और 10/5, मुझे 1 प्लेस से लेना है इसलिए मैं क्या लेती हूँ, 5 लेती हूँ, तो 25/5 यानी कि 5 × 5 = 25 और 10/5 = 5 × 10 यानी आएगा 2, ओके। हम ये दोनों क्वेश्चन रखेंगे, मैं आपको घर से तीसरा वाला क्वेश्चन देती हूँ, आप कर लेना 3.8, ये आपको होमवर्क, ये आपको करना है, ये ऐसा ही डेसिमल प्लेसेस वाला क्वेश्चन है।